लोयाबाद थाना क्षेत्र के लोयाबाद 3 नंबर काली मंदिर के समीप बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा 40 वर्षों पुराना रोपवे का खड़ा रोड सेट बड़ा लोहा को गैस कटर से काटकर चोर ले जाने में असफल रहे। मौके पर गुप्त सूचना मिलते ही लोयाबाद थाना प्रभारी विकास कुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचकर गैस कटर से कटे रोपवे लोहा को चोरों से बचाया। वहीं घटनास्थल से अपराधी गैस कटर एवं अन्य सामग्री लेकर भागने में सफल रहे। आपको बताते चले कि बीती रात्रि 4 नंबर कनकनी निचला धौड़ा कनकनी से लोयाबाद की ओर से जाने के मेन रास्ते पर लोयाबाद कोलियरी द्वारा रोड रोपवे सेट लगाया गया था। हालांकि उस रोपवे को अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर से काटकर आधा से अधिक लोहे को ले जाने में सफल रहे और घटनास्थल पर सुबह में पुलिस एवं सीआईएसएफ को नहीं रहने से दिन के उजाले में रोपवे का कटा लोहे का टुकड़ा को अज्ञात लोग ले जाने में सफल रहे। वहीं लोयाबाद कोलियरी परियोजना पदाधिकारी द्वारा बीसीसीएल कुछ कर्मी और साथ में 2 हाइवा गाड़ी एवं 1 किरान गाड़ी सहित गैस कटर से रोपवे को लोहे के छोटे छोटे टुकड़े में करके लोयाबाद कोलियरी परियोजना पदाधिकारी अपने कब्जे में लेकर गए। वहीं मौके पर लोयाबाद थाना प्रभारी विकास कुमार यादव से पूछे जाने पर बताया कि आज करीबन अहले सुबह में गुप्त सूचना पर फोन आया कि 3 नंबर स्थित काली मंदिर के समीप में अज्ञात चोरों द्वारा रोपवे का खड़ा रोड सेट को कनकनी लोयाबाद मुख्य मार्ग पर गिराकर गैस कटर से काट रहा है, जो गश्ती पुलिस को गाड़ी एवं थाना प्रभारी की त्वरित कार्रवाई को देखते ही सभी अपराधी लाखों की संपत्ति ले जाने में असफल रहे। वहीं कोलियरी परियोजना पदाधिकारी की ओर से इंजीनियर अनूप डुंगडुंग ने बताया कि स्थानीय पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आज बीसीसीएल की लाखों रुपए की संपत्ति को बचाने का काम किया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 40 साल पहले का बना रोपवे रोड सेट को अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर से काट कर ले जाना पुलिस के लिए बड़ा चुनौती है। अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया है कि क्षेत्र में दिन तो दिन एवं काली रात में कोयला लोहा आदि की चोरी जोरों पर चल रही है और क्षेत्र में चोरों और ठेला आदि द्वारा लोहे एवं कोयले की ढुलाई दिन के उजाले में किया जाता है, लेकिन पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है।